हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाइपर क्लासेस पर। आज हम लोग सर्ड्स एंड एट्स क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे धुआंधार वाले क्वेश्चन है ये, लाइव तो नहीं है। लाइव एक आपका करंट अफेयर का सेशन आएगा, 9 PM मैंने निश्चित किया है डेली के लिए, ठीक है। और ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग 70+ क्वेश्चन करेंगे और डेली लगभग 50+ क्वेश्चन किया करेंगे। आज हम लोग 70+ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सभी के लिए। चलिए तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे डलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो देखो तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट बता रहे हूं। तो ये जैसे ये है, जब आपके यहां पर घाते सेम होती है, एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा मैं, डायरेक्टली बताऊंगा चीजों को, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, समझ जाएंगे आप लोग, समझदार हैं, ये सेशन समझदार के लिए ही आता है मेरा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसको हम कोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटी, ठीक है। तो 2, 3, जब कुछ ना लिखा हो तो 2 लिखा होता है, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लिया जाता है। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और इस एलसीएम से इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करो 12 में, 2 से जब आप लोग 2 से भाग करोगे 12 में तो आएगा 6। अब ये 6 का क्या करना है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लगाना है, 2 के ऊपर लगाओगे 6, ठीक है। अब 3 से 12 में भाग करोगे आएगा 4, उस 4 का क्या करोगे, इस 3 के ऊपर लगाओगे, 3 के ऊपर 4 लगाएंगे। फिर 4 से 12 में भाग करेंगे आएगा 3, उस 3 का क्या करोगे, इस 4 के ऊपर लगाएंगे। फिर 6 से भाग करेंगे आएगा 2, फिर 2 का क्या करोगे, इस 6 इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करके लिखेंगे, 6 का वर्ग होता है 36, 4 की घात 3 होता है, 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ 64 आ जाएगा। 3 की घात 4 होता है 81, 3 3 9 3 27 3 81, 2 की घात 6 होता है 64। आपको 2 की घात याद कर लेने चाहिए, 2 की घात 1 होता है 2, 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8, 2 की घात 4 होता है 16, 2 की घात 5 होता है 32। ये आपको याद करना है, 2 की घात 5 32 होता है, 2 की घात 6 64 होता है, ठीक है। यही चीज आ गया, 2 की घात 6 कितना, 64 है। मैंने भी याद किया, आप भी याद कर लेंगे तो मजा आ जाएगा आने वाले क्वेश्चंस में, जब भी कभी आपको मुकाबला फंसेगा तो ये आप ध्यान रख पाएंगे। 2 की घात 7 होता है कितना, आप ध्यान रखेंगे 128, 2 की घात 8 होता है 256, 2 की घात 9 होता है 512, 2 की घात 10 होता है 1024, और 2 की घात 11 होता है 2448। ये सब केवल आपको 2 की घात 10 तक याद करने हैं, ठीक है। कितने तक, 2 की घात कितने तक याद करने, 10 तक, ठीक है। 2 की घात 6 कितना हो गया, बोलो, 2 की घात 6 जो हो गया है वो 64 हो गया है, कितना हो जाए जी, 64 हो गया, ठीक है। फिर क्या करें, फिर क्या करें, ठीक, फिर देखो, फिर बस कंपेयर कर लो। आपसे क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ, 64 81 64 36 में बड़ा कौन लग रहा है, 81 81 बड़ा लग रहा है। इसका मतलब कहां से आया, ये Q√3 से, अपना आंसर क्या हो जाएगा, Q√3 कहाँ पे है, ये सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से लगाएंगे, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए और सेलेक्ट कर लिया है, वो भी लगा के बताओ, फिर पता चल जाएगा आपने सीख पाया कि नहीं। देखिए ये आ गया सामने, क्या करना है जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 4, 2 6 3 4 का एलसीएम कितना लिखेंगे, 12, ठीक है, एलसीएम हो गया 12। अब यहाँ पर 2 लिखा है, 2 से भाग करो 12 में, 2 से भाग करोगे 12 में आएगा 6, इस 6 का क्या करते हैं, 2 के ऊपर लगाते हैं, 2 के ऊपर 6, 2 के ऊपर 6 लगा दिया, ठीक है। फिर कामा, फिर यहाँ लिखा है 6, 6 से 12 में भाग करेंगे आएगा 2, 2 किसके ऊपर लगाओगे, 3 के ऊपर 2 लगा लो, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3, 3 से जब लोग 6 12 में भाग करेंगे आएगा 4, 4 4 के ऊपर लगाएंगे, फिर 4 से भाग करेंगे 12 में आएगा 3, वो 3 का क्या करोगे, 5 के ऊपर लगाएंगे। वैसे तो हम ये भी लाइन ना लिखें भाई, 2 के ऊपर 6 में पता था, हम सीधे 64 लिखते, 3 के ऊपर 2 पता है 9 लिखते सीधे, 4 के ऊपर 4 पड़ता है कितना होता है, 4 के ऊपर 4 देख लो, 4 × 4 × 4 × 4 कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा, 4 चौक 16 4 चौक 16, और 16 16 की गुणा 256, तो यहाँ हमने 256 लिखना पड़ेगा। और फिर 5 के ऊपर 3 होता है 125, कंपेयर कर लीजिए कौन सा बड़ा है, 256 125, 2 और 9 64 में कौन सा बड़ा लिख रहा है, 256। अब ये 256 कहाँ से आए हैं, ये आए हैं 3 की घात 4 यानी Q√4 से आए हैं, Q√4 से, अपना आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछा गया है Q√4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक हम क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको लेके समझाते हैं, यहाँ पर फिर से 3 और यहाँ पर क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 की घात 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 6 की घात 5 की घात 6, ठीक है। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा छोटा पहचानना है, तो देखो यार बड़ा आसान है, √3 और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 6 का एलसीएम हो जाएगा, फिर 12, फिर हम लोग 3 से 12 में भाग करेंगे आएगा 4, वो 3 कहाँ लगाओगे, 4 के ऊपर लगाओगे, 3 के ऊपर 4 लगाओगे तो आपको 81 मिलेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, 3 घात 5 तक, 3 घात 5 तक याद कर लो। अब यहाँ पर है 2, 2 से जब लोग 12 में भाग करोगे आएगा 6, 2 के ऊपर 6 कितना होता है बोलो, अभी बताएगा 64, यहाँ है 4,
चार से जब लोग 12 मान लो 3, 4 के ऊपर 3 लगाओगे तो 4 चौक 16 चौक 64, भाई 4 के ऊपर 3 लगाओगे तो 64 आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 6 से 12 करोगे 12 में आएगा 2, 5 के ऊपर तो लोगों 25। पूछा गया सबसे बड़ा, अब बताओ इनमें आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 81 64 64 25 में क्या बड़ा दिख रहा है, 81। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 81, मतलब हमारा जो आंसर होगा ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें, ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। आरोही अवरोही क्रम में आए तो वो भी लगा लेना, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम में आए, अवरोही 4 अक्षरों का होता है, ये सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है, आरोही 3 अक्षर का होता है, सबसे पहले 3 छोटा लिखा जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बहुत धुआंधार क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर कहा गया है 3 घात 50, 4 घात 40, 5 घात 30 और 6 घात 20 में सबसे बड़े संख्या क्या है, नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते। देखो अभी देखो, अगर हम आपसे कहें कि 2 की घात 20, ठीक है, और 3 की घात 40 और 5 घात 10 और जो है 6 की घात 15, ऐसे करके और हम पूछे बड़ा बताओ, तो नहीं बता सकते हो। कैसे बता सकते हो यार, जब ऊपर वाली वैल्यू बराबर हो तब बता सकते हो, वो कैसे देखो अभी बता देंगे। अच्छा जैसे देखो आपसे क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन हो कि 3 की घात 10, 2 की घात 10, 5 घात 10, 6 की घात 10, अब आप लोग बता सकते हो अपना आंसर कैसे। आप देख रहे हैं ऊपर तो बिल्कुल सेम है, तो जिसकी पावर जिसके जिसका हर सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही भी सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी अगर हम पूछें वो अपना आंसर होगा 6, कब, जब आपके ऊपर अंश इक्वल है, ठीक है। अंश मतलब सॉरी पावर, घात, घात जब बराबर है तो अपना आंसर कर लेंगे आप लोग। अच्छा नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 3 घात 2, 2 की घात 2, 5 घात 2, 6 की घात 2, अब हम पूछें बताओ अपना आंसर क्या सही होगा। तो देखो सबके ऊपर पावर सेम है, तो आपको नहीं भी आता तो वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब आप देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ये वाला पावर है, ठीक है। अच्छा ये कब कर पाएंगे, जब आपको देख रहे हैं आप आधा सॉरी घात जो है बिल्कुल बराबर है, तब तब जो आपका जो 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 आधार है वो जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, तो 6 बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है आप देख रहे हैं 36 भी इधर बड़ी आया है, तो इसका मतलब हम लोग इसका आंसर कब कर पाएंगे ऐसी चीजों का, जब आपका घात बराबर हो, क्या बराबर हो, घात। तो देखिए इनमें तो घात बराबर नहीं, इसलिए हम लोग इसकी घात बराबर कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 3 की घात 50 और फिर लिखा 4 की घात 40, ठीक, लिखा है 5 की घात 30 और 6 की घात 20। अब आप एक चीज देख रहे हो खूबसूरत कि इन सभी में जो कॉमन है वो 10 सबके पास है। देखो सबकी घात बनाना आसान है, देखो 3 की घात अगर हम 5 की घात अगर हम 10 लिख लें तो अभी भी ये 3 की घात 50 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 4 की घात 10 लिख लें, अभी ये 40 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 घात 3 की घात 10 लिखेंगे, बिल्कुल सेम 6 की घात 2 के ऊपर 10। अब देखो 2 गुणे 2 गुणे जब करोगे 20 हो जाएगा आपका, 6 की घात 20 हो गया। अब सिंपल से अब कर लीजिए भाई, 3 की घात 5 कितना होता है, 125, 125 के ऊपर घात कितनी आए 10, 4 की घात 4 अभी आपने सॉल्व किया है कितना आएगा 256, 256 के ऊपर घात 10, भाई 4 की घात 4, 4 चौक 16, 16 16 गुणा 256, 5 घात 3 होता है 125, 125 के ऊपर 10, 6 का वर्ग होता है 36 के ऊपर 10। सबके ऊपर आपने देख लिया पावर 10 है, अब देखो आधार किसका सबसे बड़ा है, यहाँ 36 है, यहाँ 125, यहाँ 256, यहाँ 125, 256 सबसे बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू भी सबसे बड़ी है, तो अपना आंसर होगा 4 की घात 40, यानी कि इधर वाली जो 3 के इधर वाली जो जस्ट इधर वाली वैल्यू बड़ी है, 4 घात 40 अपना आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना आंसर करना, ये वाला छोड़ के मत आ जाना, ठीक है, छोड़ के आ जाओ, मारूंगा बहुत, ठीक है, चलो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन धुआंधार धुआंधार, अब देखो यहां पर देख रहे हैं आप एक खूबसूरत चीज, देखो यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, अच्छा 5 और 3 कितना होता है 8, अच्छा 6 और 2 कितना होता है 8, सभी में यहाँ 5 3 है, सभी में यहाँ 6 2 है, मतलब दोनों तरफ 8 हो रहा है, फिर हम लोग कैसे कहें अपना आंसर कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। एक खूबसूरत चीज अगर हम आपको दिखाएं, √5 + √3 इधर भी है, √6 + √2 इधर भी है, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, अच्छा अभी बीच में हमें ये नहीं पता साइन कौन सा है, भूल जाते हैं बीच में साइन कौन सा है, अब √5 और + √3 का वर्ग कर दें, इसका मतलब ये जो बन रहा है ये a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a+b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है तो वो होता है a² + b² + 2ab, ऐसा तो होता है। तो देखो एक ही जगह पर √5 √5 का वर्ग होता है 5, √3 का वर्ग होता है 3 3, और फिर 2ab 2ab, यानी कि √5 × √3 करोगे तो वो 15 होते हैं, यानी कि √ में गुणा हो जाएगी, तो √15 आ जाएगा। इधर देखो √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग 2 + 2ab, यानी कि √6 × √2 करोगे तो √12 आ जाएगा, 2 वो जो है सूत्र वाला, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो आप,
एक चीज देखो, यहाँ 5 और 3 कितने होते हैं, 8, यहाँ 6 2 कितने होते हैं, 8, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क हमें पड़ा गुणा में, अंडर रूट 15 है यहाँ पर अंडर रूट है 12, इसका मतलब अंडर रूट 15 का मान ज्यादा होता है और अंडर रूट 12 का कम होता है। इसका मतलब हम लोग जो इसका आंसर जानेंगे वो ना तो गुणा उणा से हमें किसी कोई मतलब नहीं है, जब ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो तब आप इनकी गुणा करेंगे। जैसे यहाँ अंडर रूट 15 आया, यहाँ अंडर रूट 12 आया, अब आपको पता चल रहा है कि भाई अंडर रूट 15 ज्यादा होगा। सेम इसी प्रकार देखो, जब कभी भी अंडर रूट 5 और 3, यहाँ 8 है, यहाँ भी 6 2 8 हो, अगर कहीं कभार सवाल फिर से बने जिनकी योग सेम हो तो उनका आप गुणा कर लेना। क्या कर लेना, गुणा। अब अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 गुणा करो, अंडर रूट 15 आ जाएगा, अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 की गुणा करो, अंडर रूट 12 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं अंडर रूट 15 बड़ा है और अंडर रूट 12 12 है। अच्छा अंडर रूट 15 बड़ा है तो साइन कैसे लगाओगे, ऐसे तो लगाओगे जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो अब देख लो कहीं पर अगर ऐसा हो तो पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा मिल गया, तो आंसर हमारा पहला ही है। अच्छा ये कह रहे हैं इधर को बड़ा, ये तो छोटा था। अच्छा ये कह रहे हैं बराबर है, बराबर भी नहीं था, अगर बराबर तो बराबर लगाते। और ये कह रहे हैं इन दोनों गुणा एक आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। अंडर रूट 15 अंडर रूट 12 गुणा कहाँ एक आ जाएगी, नहीं बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार आप जान रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे। जैसे हम फिर एक क्वेश्चन दें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और इधर हम क्वेश्चन दें अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 1, तो अगर आप इनमें छोटा बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 अंडर रूट 6 और अंडर रूट 4 एक कम 4, तो बड़ा कौन है ये वाला, तो एरो इधर को लगेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको लगा हो अच्छा तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चलो ये क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज हम आपको बताएंगे, जैसे अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, तो अगर आप इसको हर से अंश में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो इसको आप क्या करो अंडर रूट 8 और अंडर रूट 7 लिख लो बस। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देना, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देना, इतना। लेकिन डिफरेंस कितने का हो, एक का हो, जैसे 8 है यहाँ 7 है, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर 2 का डिफरेंस हो तो बटे में 2 लगा देना, 3 का डिफरेंस हो बटे में 3 लगा देना, 4 का डिफरेंस हो तो बटे में 4 लगा देना, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिर से बताओ, जैसे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि बटे में माइनस था, अगर माइनस बटे में प्लस होता तो यहाँ पर फिर माइनस होता। ठीक है इतना आप समझदार हो गए। तो देखो पहला है 1/√9 - 1/√8, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 9 और ये माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ माइनस है, जहां माइनस आया वहां ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि इतना समझदार हो नहीं, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस वाले पद को देखो, यहाँ लिखा है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक है अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस से हमें कोई डर नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं। नीचे लिखा हुआ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो हम लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आ गया, फिर डरो, माइनस ब्रैकेट लगाया, माइनस अंडर रूट 6 है तो हम लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है फिर प्लस आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, अंडर रूट 5 और ये माइनस है तो हम लोग लिखेंगे प्लस अंडर रूट 4। अब देखो हम लोग इसको फिर से ब्रैकेट हटा देंगे तो अंडर रूट 8 क्या लिखेंगे भाई, एक मिनट पेन ओपन हो गया, 1 सेकेंड, ओके क्या लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 8। अब देखो ये माइनस हटता है यार, इतनी तो चीजें पता ही होंगी, माइनस हटता है तो ब्रैकेट हटता है तो माइनस लगाएगा, तो देखो माइनस अंडर रूट 8 और ये माइनस यहाँ टकराएगा जाके, प्लस माइनस टक्कर हुई जीतेगा माइनस ही, अंडर रूट 7, ये प्लस है कोई टेंशन नहीं हुई हमें, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, जैसे ही माइनस आया इसमें गुणा हुई तो माइनस का अंडर रूट 6 कर दिया, इस माइनस की इसमें गुणा हुई तो माइनस का अंडर रूट 5 कर दिया, प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, कोई टेंशन नहीं हुई। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, बचा क्या अंडर रूट 9 और इधर क्या बचा, प्लस अंडर रूट 4। अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है 3, अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है 3 2 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 कहीं पर है क्या, हाँ पहला ऑप्शन है। ठीक है तो ये देख लो तरीका एक, तो आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, फिलहाल ये वाली लाइन हमने वेस्ट लिखी है क्योंकि आंसर हमारा इसी वाले है। इतना समझदार बनो कि माइनस हो साइन साथ में ही चेंज करते चलो यार। ठीक है जैसे माइनस पहले से तैयार है और तुम्हारी वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 आने वाली है, तो आप इसको ना लिख के आप ऐसे लिखो ना -√5 + √4, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे इसमें प्लस के साथ टकराएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस टकराएगा प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ भी प्लस होता तो माइनस यहाँ टकराएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इतना दिमाग लगा लो। फिर भी हमें आप तरीका बताते हैं ऐसे सीरीज में जिसमें अंतर एक होता है, लास्ट का बचता है, कहाँ का बनता है, एक पहला बचता है एक लास्ट का बचता है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो अंडर रूट 9 है तो ये अंडर रूट 9 बचेगा,
और लास्ट में है अंडर रूट चार बचेगा। अब दिक्कत यह है कि बीच में प्लस लगाएं या माइनस, इसके लिए हम आपको बताएं यहां पर देखो क्या साइन है, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस का था तो ये चेंज भी नहीं कर पाएगा, तो माइनस की चीज ऊपर जाएगी प्लस की रहेगी, तो फिर हमारा आंसर सीधे आप लोग बता सकते हैं अंडर रूट नौ का मतलब नौ और अंडर रूट चार, अंडर रूट नौ का मतलब होता है तीन, अंडर रूट चार का मतलब तीन दो पांच, ठीक है जी यही आंसर। अगर यहाँ पर साइन माइनस का होता तो आप ध्यान दो ये अगर वैल्यू माइनस की है ऊपर जाती तो प्लस की हो जाती, लेकिन ये माइनस पहले से तैयार बैठे थे तो फिर हम लोग तीन माइनस दो लिखते फिर हमारा आंसर आता एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट सात और डेट डेट एस करके ये इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है फिर हमारा आंसर वही होता है, क्या होता है फिर हमारा आंसर वही होता है, बसरते ये वैल्यू इनफाइनाइट डेट डेट एस होनी चाहिए। जैसे अंडर रूट पांच डेट 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 डेट, तो आंसर हो जाएगा पांच, क्या हो जाएगा बोलो, पांच हो जाएगा, पांच आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग फिर से बोले अंडर रूट चार, तो इसका आंसर हो जाएगा चार, क्या हो जाएगा बोलो, चार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग सीख चुके हैं, अगर ये स्टॉप हो जाए, जैसे ये स्टॉप हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर देखो इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है पहले उसको लिखो, आठ लिखा, अब इस करणी को गिनो, एक दो तीन चार है, अब ये दो के ऊपर चार लगाओ, हमेशा दो के ऊपर लगेगा, हमेशा दो के ऊपर लगेगा, ये चार कहां से आए, जितनी बार करणी है तो दो के ऊपर चार, अभी हमने बताया आपको, याद कर लो बेटा याद कर लो, दो के ऊपर चार कितना होता है, सोलह होता है, सोलह में से घटाना है तो पंद्रह और बटे सोलह, ये आंसर करेंगे। इसका अगर हम फार्मूला लिखे वो होता है ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू द पावर एन, ये फार्मूला होता है इसका, ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। फिर से आठ लिखा हुआ था तो आठ लिख दिया, चार बार करनी थी तो दो के ऊपर चार लगाया सोलह आया, सोलह में से घटाया पंद्रह बटे सोलह, ये अपना आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिर से मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन एक शायद है और भी है, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहत्तर के हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर हो एक हो, तो आठ और नौ, आठ ने बहत्तर, और ध्यान से सुनो जो जो बात कहें, अगर यहाँ पर प्लस लगा है बीच में तो यहाँ बड़े वाले के साथ प्लस लगाना, छोटे वाले के साथ माइनस लगाना, आंसर दोनों होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, अंडर रूट बहत्तर प्लस अंडर रूट बहत्तर प्लस अंडर रूट बहत्तर और ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बहत्तर के फैक्टर करो आठ गुणे नौ, अब ध्यान दो अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़े वाले के साथ प्लस और छोटे वाले के साथ माइनस, आंसर दोनों होते हैं ऑप्शन में जो हो। तो देखो ऑप्शन में क्या माइनस का आठ है, नहीं है, तो प्लस का नौ है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका माइनस का आठ होता तो हमें वो भी लगाना पड़ता, जैसे अगर ऑप्शन ऐसे होते देखो माइनस का आठ और प्लस का नौ तो लिखा नहीं जाता, केवल नौ लिखा होता, फिर माइनस का नौ, फिर ऐसे लिखा होता ए एंड बी। तो आप ध्यान देखो बेटा माइनस का आठ और प्लस के नौ दोनों लगाने पड़ेंगे, लेकिन जब अगर जब कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे गलत करना चाहेगा तो आप बी लगा के आओगे, बी लगा के आओगे बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बीस के फैक्टर करो ना मानना, तो फिर जब गलत हो जाए तो फिर मानना, ठीक है। बीस के फैक्टर करो चार गुणे पांच, यहाँ बीच में प्लस लगा तो बड़े वाले के साथ प्लस और छोटे वाले के साथ माइनस, तो हमारा आंसर देखो इसमें कौन मिल रहा है, अंडर रूट पांच, पांच मिल रहा है, तो अपना आंसर पांच हो जाएगा। तीस के फैक्टर होते हैं पांच गुणे छे, अब देखो यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो बीच में माइनस लगा है तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, जो आंसर हो, माइनस छे कहीं नहीं दिखा हमें, प्लस का पांच दिखा, तो फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, यहाँ तीस माइनस अंडर रूट तीस माइनस अंडर रूट तीस और तीस के फैक्टर करो पांच गुणे छह, माइनस लगा है तो बड़े वाले के साथ माइनस, प्लस वाले छोटे वाले के साथ प्लस, चीज एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है हमेशा, ठीक है। तो 30 के फैक्टर हो गए पांच गुणे छह, बड़े वाले के साथ अगर बीच में माइनस लगा है तो बड़े वाले के साथ माइनस रहेगा, अगर बीच में यहाँ प्लस लगा है तो बड़े वाले के साथ प्लस रहेगा, छोटे वाले के साथ माइनस रहेगा। दिस इज द मिनिमल डिफरेंस ऑफ बिटवीन दिस क्वेश्चंस, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ लीजिए, अपना आंसर यहाँ पर माइनस छह कहीं नहीं दिख रहा है, प्लस का पांच है, लेकिन जब आपको बताया जाता है कि माइनस लगाओ तो छोटा आंसर होता है और प्लस लगाओ तो बड़ा आंसर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कराना चाहे तो जो गलत करा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आप सही हो जाना। 132 लिखे हुए हैं तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 11 गुणे 12 होंगे, बीच में माइनस लगा है इसलिए बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस, प्लस का 11 हमारा आंसर मिला, 12 मिलता नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसे ही रटा देते हैं, लेकिन फिर तुम भी समझते चलो, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए, तो आपका आंसर छोटा वाला ही सही है, माइनस प्लस का 11, लेकिन यहाँ माइनस का 12 कहीं थे नहीं, अगर होते तो फिर लगाना पड़ता, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए भाई अंडर रूट पांच, एक मिनट सही लिख देते हैं,
अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट पांच और ये इनफाइनाइट तक हो, आप पांच के फैक्टर नहीं होते हैं, तो उस केस में हम आपको दो फार्मूले देते हैं। क्या दो फार्मूले देते हैं? देखो, एक तो माइनस के लिए, एक प्लस के लिए। ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ये प्लस के लिए, ठीक है? ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ये किसके लिए है? प्लस के लिए है, फिर माइनस के लिए। देखो, फिर लिखना एक प्लस माइनस अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन में 2। ये प्लस वाले के लिए है जब बीच में प्लस लगा हो, माइनस वाले के लिए माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। केवल डिफरेंस इतना है, डिफरेंस बिल्कुल इतना है कि अगर प्लस का होगा तो प्लस का 1 लिखना पड़ेगा, और अगर माइनस बीच में लगा होगा तो ये देखो पहले माइनस का है, बिल्कुल सब सेम है, ठीक है? और दो आंसर आते हैं, इसीलिए एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में लेना, ठीक है? ये चीज हम आपको करके दिखाते हैं इन्हीं सवालों में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 132 लगाना है हमको, माइनस का है, तो देखो आपको माइनस का है, माइनस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है? देखो इसको लगाएंगे। अब देखो माइनस 1 तो फिक्स है, अब प्लस माइनस भी लिखा हुआ है वो भी हमने लिख लिया, फिर अंडर रूट 4a, a का मतलब होता है जो इसके अंदर वैल्यू लिखी है। 132 का 4 गुना करो, 132 का 4 गुना, 4 दुनिया 8, 4 तीन 12 के 2, 4 एकम 4 एक 5, 528 में 1 जोड़ो। देखो यहाँ बीच में प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस माइनस में मतलब है आगे वाले से, ठीक है? 528 में एक जोड़ोगे 529, यहाँ लिखना पड़ेगा 529, क्या लिखना पड़ेगा? 529 बटे में 2, 529 का वर्गमूल होता है 23। अब देखो माइनस का 1, एक बार प्लस लेंगे, यहां पर देखो दो चीजें लिखी हुई, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, माइनस का 1 तो लेना पड़ेगा, प्लस 530 का होता है 23 बटे में 2। अब देखो 23 में से प्लस का 23 माइनस का 1, 23 में से 1 गया, बोलो 23 में से 1 गया 22, 22 का आधा 11, तो ये प्लस का 11 आया है, ना मानो तो देखो यहां पर देखो 23 के प्लस के थे, प्लस का आया। अब एक बार माइनस का लो, माइनस का 1 और यहां से वैल्यू उठाओ, माइनस का 23 बटे में 2, माइनस का 23 माइनस का 1, माइनस का 24 बटे 2, भाग करोगे तो माइनस का 12। देखो दो आंसर आते हैं हमेशा, ठीक है? अगर वहां पर अगर 132 जगह प्लस लगा होता, यहाँ प्लस लगा होता तो फिर हम लोग सिर्फ इतना करते हैं फार्मूले में कि यहाँ पर प्लस रख लेते, बिल्कुल सेम रहता है फार्मूला, ठीक है? चलो यार बहुत सिखा लिया, मुंह दर्द करने लगता है यार, दिन भर बोलो फिलहाल। चलिए देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया है, देखो यहाँ पर स्टॉप हो गया, डेड एस नहीं है, अगर इसमें डेड एस लगा होता तो आंसर 4, लेकिन डेड एस नहीं लगा है तो इसलिए संभल के बचो, तो 4 4 4 लिखा तो 4 लिख लो। अब देखो कोट करनी कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 4 बार है, तो हमें क्या करना है, 2 के ऊपर 4 लगाना है, 2 के ऊपर 4 कितना, 16 16 में से गया 15/16, ये हमारा आंसर होता है। 4 घात 15/16 है कहीं पे, 2 की घात लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ 4 घात 15/16 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा ही हम लोग सवाल नंबर नीचे करेंगे, यहाँ पर 16 16 16 लिखा है और डेड एस नहीं है, रुक गया है, तो 16 लिखेंगे, और 1 2 3 4 बार है तो 2 के ऊपर 4 लगाओगे, 2 के ऊपर 4 लगाओगे 16, 16 में से घटाओगे 15/16, ठीक है? अब देखो 16 की घात 15/16 कहीं है, यहाँ तो 15/16 2 की घात है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 16 15/16 जो है, 15/16 किसकी घात है, वो 16 की है, लेकिन यहाँ तो 2 की घात लग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 15/16 4 की घात में, ये भी बिल्कुल कह रहे हैं ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं ज्ञात कर सकते, तो अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सी में है 2 की घात 15/4, तो आप भी ऐसा देखो, आप भी ऐसा कर सकते हो, देखो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 लिख सकते हो, गुणे में 15/16 पहले से थे, 4 से 16 काट दिया गया, तो बचा क्या, 2 की घात 15/4, इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर सी है। बाय द वे आप नहीं भी कर सकते थे, तो ऑप्शन आपने काट दिए, ऑप्शन 3 काट दिए, जो चौथा ऑप्शन बचा था वही तो अपना आंसर था, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ और बचा क्या। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे गलत कराते हैं, गलत करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 2 लिखा हुआ है, तो 2 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 हो, तो 1 × 2 होते हैं, अगर बीच में प्लस लगा है तो बड़े वाले के साथ प्लस और छोटे वाले के साथ माइनस, माइनस का 1 कहीं आंसर नहीं है, प्लस के 2 है आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत से लोग गलत करके आते हैं, ध्यान रखना फिर आप। चलिए इसको देखिए, इसको सॉल्व किया जाता है पीछे से, जैसे पीछे से वर्गमूल पूरा निकल रहा है, 225 का वर्गमूल 15, 15 जब आप प्लस का बीच में साइन लगा तो प्लस करेंगे, माइनस का लगा तो माइनस करते, 154 में 15 जोड़ दोगे आपको हो जाएगा 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 जब आप लोग इसमें जोड़ दोगे हो जाएगा 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 जब आप 25 में जोड़ोगे 26, 36 हो जाएगा 36 वर्गमूल 6, 6 जब 10 में जोड़ोगे 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ऑप्शन नंबर आपका 4, 4 का आंसर भी 4 और ऑप्शन भी 4, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर अगर प्लस में लगे हो तो प्लस लगाना, ध्यान रखना भाग लगे तो भाग लगाना और भाग करते चले जाना, वर्गमूल लेते चले जाना, ठीक है? बहुत सही,
आज कितने रखते हैं, बाकी खूब आपने सीखा। अगर आपको यार मजा आया हो, स्पीड ज्यादा लगी हो तो बता देना यार, कम कर लेंगे, टेंशन लेने को ना है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए तेज तेज पढ़ाया कि आपका टाइम बच जाए, मेरा भी बच जाए, आपका भी काम हो जाए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पड़ता है वो ऑल नोटिफिकेशन पर बेल बेल पर क्लिक करें, तभी आपको आ पाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।